निकले थे 2 रुपए की प्याज 5 रुपए की आलू बेचने, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तो भाई के लोगों सबसे पहले बताओ, जब कहीं आग लगती है तो तुम लोग क्या करते हो? ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? तुम लोग कहोगे कि यार तेरा मानसिक संतुलन हिल गया है क्या? हम सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग पानी डालते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत दिखा। लेकिन तुम्हारा भाई सबसे पहले पेट्रोल डालता है, क्योंकि दूसरों की जिंदगी में आग लगाने में तुम्हारे भाई को बड़ी मजा आती है। अब तुम ही लोगों में से कुछ तेजस्वी लोग मुझसे कहेंगे कि यार आज तू आग पानी की बात क्यों कर रहा है? मगर क्यों? क्योंकि आज के दिन इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक खोलते हुए लावा को बर्फ के ऊपर डालकर देखेंगे कि क्या होता है जब इन दोनों जानी दुश्मन को एक साथ भिड़ाएंगे तो कौन जीतेगा। क्या बर्फ जल्दी ही पिघल जाएगी या लावा खुद ही जम जाएगा? वीडियो को अभी रोक के मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है। मैं नहीं बताऊंगा। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने ही जैसे दिखने वाले प्राणियों को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। तो उससे मेरा क्या फायदा? कि इस अमीरों वाले एक्सपेरिमेंट को तुम्हारे गरीब भाई ने नहीं किया है। चीटिंग 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 करता है तू। इस एक्सपेरिमेंट को एक अमीर बाप की साइंटिस्ट औलाद ने किया है और बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बदनसीबी से ये औलाद एक अंग्रेज है। अरे यार ऐसा कैसे सोचते हैं? और तुमको भी पता है कि अंग्रेजों की अंग्रेजी हम जैसे क्लास में पीछे बैठने वाले अभद्र प्राणियों को समझी में नहीं आती है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। इसीलिए तुम्हारे भाई ने इस समस्या का समाधान करते हुए इस एक्सपेरिमेंट की इंग्लिश वॉइस को हिंदी में ट्रांसलेट किया है बाबूराव की स्टाइल में। यह बाबूराव का स्टाइल है। तो आओ यार बगल में उड़ते हुए मच्छर को मारना बंद करो और चलो चलते ही एक और दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट की सैर में। नमस्कार दिव्य सुनो, हम श्री श्री अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के जूते में लगे हुए गोबर अपनी औकात से ज्यादा ना बोलो। औकात में रहो। दिव्य सजनो, हम लोगों ने लावा बनाना चालू कर दिया है। हमारे लड़के को कहीं ठंडी ना लग जाए तो इस वजह से हम उसको रजाई भी उड़ा देंगे। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। हम जैसे ही तेजस्वी बुद्धिजीवों को आगे जाके नगर पालिका कूड़ा उठाने के लिए रखती है। कल हमारा पेपर है और यहाँ पर हम लावा गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा लावा गुस्से से लाल हो चुका है और अब बिना देर के हुए अब इसको हम लोगों ने बर्फ में डाल दिया है। ओ भाई साहब क्या आवाज आ रही है, बाहुबली की अम्मा की कसम, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पनीर के पकौड़े टले जा रहे हो। जिसको भी खाना है तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ। बस 10 नंबर हो गया। तो मैं अपनी बगुले जैसी चोंच को थोड़ा शांत कर लेता हूँ और एक बार तुम इसकी आवाज सुनो। इस पनीर के पकोड़े को मेरे घर पे भिजवा देना। क्यों भाई, ये पनीर के पकोड़े तुम खाओगे क्या? नहीं रे, अपने मोहल्ले वाले को खिलवाऊंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। हमारी आत्मा इतने से ही तृप्त नहीं हुई, हम अपनी शक्तियों का पूर्ण इस्तेमाल करके ही रहेंगे। इस वजह से हमने अपने भैंसिया का दूध निकालने वाले कटोरे को ही इसमें रख दिया। 50 की ठन्नी 2 का बतासा, क्या कर रहे हैं हम तमाशा। अबे ए मिर्ची, ये क्या किया बे तुमने? हम अपनी भैंस को क्या गोबर दिखाएंगे अब? अरे अरे कल्लू जी, आपसे एक बात कहनी थी। वो सब छोड़ो, हमारा कटोरा कहाँ है? पाँ लागू कल्लू जी, वो आपके मिर्ची ने फेंक देके तोड़ा है मोरी मैया। तो क्लास में बिना होमवर्क करके आए हुए लड़कों को मिलती है सजा और इस एक्सपेरिमेंट को देख के आ गया है मजा। अरे यार तालियां तो बजा दो। तो यार तुम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में देखा ही होगा, अंधे थोड़ी हो। खैर तो यार तुम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम लोगों ने जब लावा को बर्फ के ऊपर डाला तो यार जो लावा है वो बर्फ को चीरते हुए नीचे साइड में चला गया। तो भाई साहब बर्फ बर्फ होती है और लावा लावा होता है। लावा का जो टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है और बर्फ का टेम्परेचर बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसी वजह से जब हम लोगों ने लावा को बर्फ के ऊपर डाला तो जो बर्फ है लावा के सामने घुटने टेक दिए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो यार आज की इस खुराफाती एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही। यार अगर एक्सपेरिमेंट पसंद आया हो तो लाइक मारो, यार लाइक का बटन फ्री है और मुझे तुम लोग की शक्ल देख के पता चल जाता है कि तुम लोग फ्री की चीज छोड़ने वाले बंदों में से बिल्कुल भी नहीं हो। और यार जो तुमको सब्सक्राइब नामक बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर देना। हाँ क्लिक कर देना, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम क्लिक करो चाहे ना करो, लेकिन तुम क्लिक कर देना। और बगल में जो बेल आइकन दिख रही है उसको भी ऑल पर क्लिक कर देना। क्लिक कर देना भाई साहब, क्लिक कर देना। We'll be right back.
ये हर बार मैं क्लिक क्लिक क्यों बोल रहा हूँ, पागल हो गया हूँ क्या मैं? तो चलो यार मैं चलता हूँ पागल खाने में अपनी पागलपंती का इलाज कराने। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग भी जाओ।